लाइफ में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। जीत गया तो क्या होगा? जब ये फीलिंग आपके अंदर आएगी तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो आप पा नहीं सकते। हम बस यही कहेंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। आपके जैसा ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और दुख कभी खत्म नहीं होते हैं। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है और इनसे निपटने के लिए जरूरी है ज्ञान। ज्ञान की मदद से बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इंसानों के लिए ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है उनकी सभी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और उनके दुख कभी खत्म नहीं होते हैं। इसलिए ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। सिर्फ एक बार किसी वस्तु के बारे में ज्ञान हासिल कर लेने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को उससे संबंधित पूर्णता जानकारी प्राप्त हो गई है, बल्कि ज्ञान को समय समय पर सुधारने और बढ़ाने की जरूरत होती है, नहीं तो समय के साथ साथ ज्ञान भी गायब हो जाता है। इसीलिए हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए एवं इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी भी समय में भी इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर इंसान के दिमाग में रहे तो वो बोझ बनता है और जब व्यवहार में आ जाए तो आचरण बनता है। ज्ञान दुनिया सबसे बड़ी शक्ति है। बिना ज्ञान के व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता है, इसलिए हर व्यक्ति के पास ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। जरूरी नहीं है दुनिया में सभी को एक ही तरह का ज्ञान प्राप्त हो। दुनिया में हर किसी को अलग अलग तरह से अलग अलग विषयों में ज्ञान प्राप्त होता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी भी विषय में थोड़ा सा ही ज्ञान प्राप्त होने पर यह समझने लगते हैं कि वे दुनिया के सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं, और फिर अपने तुच्छ ज्ञान के बल पर सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वे यह नहीं जानते हैं ज्ञानी व्यक्ति वो नहीं कहलाता है जो कि काफी बातें जानता है, बल्कि वास्तव में ज्ञानी उन्हें माना जाता है जो कि कम मगर काम की बातें जानता है। वह लोग कभी भी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग अक्सर टूटना पसंद करते हैं लेकिन झुकना पसंद नहीं करते। जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। कमाल की बात है ना, पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। किसी की सोच को मत सीखो, अपने अंदर सोचने की शक्ति को जगाओ। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर होता है। साथ वही है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है तभी वो चमकता है। सही बातें पढ़ने की आदत हो तो सही बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, क्योंकि तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। क्यों बनूं मैं किसी और की तरह जब जमाने में कोई मुझसा नहीं। नींद और जरूरतें जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती है। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। कांटों का क्या गिला, वह तो मजबूर है। अपनी फितरत से दुख तो तब हुआ जब फूल भी जख्म देने लगे। अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। रात भर जलता रहा ये दिल उसी की याद में समझ नहीं आता। दर्द प्यार करने से होता है या याद करने से। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो एक इंसान हैं। मन की सोच अगर सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर लगता है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है। लोग बहुत तकलीफ देते हैं, अक्सर अपना बनाकर छोड़ दिया करते हैं। उजड़ा उजड़ा सा हर शहर लगता है, हमें तो यह कुदरत का कहर लगता है। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती।
गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। इंसान ने की ऐसी भी क्या तरक्की कि आजकल इंसान को ही इंसान से डर लगता है। तमन्ना जब दिल से रुखसत हो गई, यकीन मानिए जिंदगी में मैं फुर्सत ही फुर्सत हो गई। वक्त ने दिखा दी सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो सबको अपना कहां करते थे। होता होगा हुनर चुप रहने का लोगों में, हम में तो साफ साफ कहने का ऐब है। यारों पनाह मिल जाए रूह को, जिसका हाथ छूकर उसी हथेली पर अपना घर बना लेना। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। पहले जो आयु में बड़े होते थे उनका सम्मान होता था, अब जो आय में बड़ा होता है उसका सम्मान होता है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं, पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। हजारों मिठाइयां छकी है, जमाने में खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही पैदा होती है। नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से, एक लिबास मुझे भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से। मिलता बहुत कुछ कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। कमाल का ताना दिया, आज मंदिर में भगवान ने मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। विश्वास में विष भी है और आश भी है, यह स्वयं निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। सपने वह नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह है जो हमको नींद नहीं आने देते। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताए। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। दिल के तालों की चाबी लफ्ज में नहीं, लहजे में होती है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ लगाव और विश्वास है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यूं तो ये जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थीं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पढ़ने वालों की कमी है, वरना गिरते आंसू भी एक किताब है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजारों रिश्तेदारों से बेहतर होता है। विश्व में कोई भी व्यक्ति पूर्ण संस्कारी नहीं है, मरने के बाद ही उसे अंतिम संस्कार मिलता है। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। कभी कभी किसी के लफ्ज हमें इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं क्या वाकई में हम इतने ही बुरे हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं है, अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है। ज्ञानी कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। वो मेरा नहीं फिर भी मेरा है, ये कैसी उम्मीद ने मुझे घेरा है। रईस गलती भी कर दे कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। छुपे छुपे से रहते हैं, सरेआम नहीं होते।
कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास हैं, उनके नाम नहीं होते। समाज चुप क्यों है समझ नहीं आता, ऐसा लगता है इन्हें सही गलत में फर्क समझ नहीं आता। हुस्न का क्या काम, सच्ची मोहब्बत रंग सांवला भी हो तो यार कातिल लगता है। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाज से भरपूर मगर खामोश। शब्द तो हर कोई समझ जाता है, तलाश सिर्फ उसकी है जो खामोशी समझ ले। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हीं को मालूम है सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उन्हें खामोशी दे दीजिए। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। दुनिया में हो ताल्लुक तो रूह से हो, दिल तो अक्सर भर ही जाते हैं। जज्बात, एहसास, मन की पीड़ा, जो दूसरा समझ जाए वही सही मायने में इंसान है। अगर लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया तो नई शुरुआत करो, अभी जिंदगी बाकी है। लगातार बोलते रहने से ध्यान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि भी होती है। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती हैं, शब्दों से नहीं दुआ वही कबूल होती है जो जुबां से नहीं दिल से की जाए। सबने एक वहम दिल में पाल रखा है कि सारा कारवां मैंने संभाल रखा है। खामोशी वह सब कुछ बयां कर सकती है जो शब्द कहने से भी डरते हैं। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छिन जाता है। लोचा तेरा एक ये भी है, जिंदगी तू हमें बड़ा तो जल्दी कर देती है लेकिन अक्ल देर से देती है। यूं तो दुनिया में सभी शांति चाहते हैं, बस यह दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, परंतु कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। जीवन की भागदौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूं, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। चुप रहने से बड़ा कोई हथियार नहीं, माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा? जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है उसे भविष्य में कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे दोस्त इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। सफलता पानी है दोस्त, तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, वह असफल तब होता है जब वह यह सोच ले कि अब वह जीत नहीं सकता। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। चींटियों से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वह मौन रहती है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। बचत करने की आदत सी हो गई है, मैं अपना दर्द अब कम ही बांटता हूं। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं,
एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। संतुष्टि और मन को शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत हो। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। आज के लोगों को समझना मुश्किल है क्योंकि लोग होशियार नहीं बल्कि शातिर हैं। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। देर लगेगी मगर सब सही हो जाएगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। यकीन रखो, दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहे, तब खुद से एक बात बोलना, मैं गलत नहीं हूं बल्कि भीड़ से अलग हूं। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। ना जाने कैसे परखता है मुझे, मेरा खुदा इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। जिस दिन मन हारने लगे, उस दिन अपने आप से पूछना शुरू क्यों किया था। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले लोग पछताए। सब्र हर इंसान में नहीं होता है और जिसमें होता है वह बहुत कामयाब होता है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं, उड़ा देती हैं। नींदे कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि आप सही हो बल्कि इसलिए कि आप अलग हो। हर मंजिल हासिल होगी, बस तुम अपने इरादे नेक रखना। एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। आंखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। हमें अपने जीवन में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पास भी ले जाएगा। जाया न कर, अपने अल्फाज हर किसी के लिए बस खामोश रहकर देख, तुझे समझता कौन है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। हौसले हो, अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। गम की चादर हटाओ और जरा देखो, बाहर औरों के दर्द से तो तुम्हारा दर्द कम है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किया भी बुरे बन जाते हैं क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। साथ निभाने वाले आपका साथ अवश्य निभाते हैं, वो कभी भी हालातों का बहाना नहीं बनाते। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। बंधन रिश्तों का नहीं एहसास का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने को मन करता है
और ना ही किसी को समझाने का मन करता है। बस कसूर इतना था, जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, हम मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। हम जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे हम। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वो बात नहीं रहती। इश्क को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि इश्क दिल देखकर होता है, हैसियत देखकर नहीं। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग बदल गए। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। सच बताऊं तो दुश्मनों से तुम्हें इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना। चुप रहकर मिल जाए अगर जवाब अनकहे सवालों का। एहसास रिश्तों में खूबसूरत महसूस लाजिमी होता है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। चाहती तो उड़ सकती थी, पर वो मां थी इसलिए जिंदा जल गई। बेरंग होती है बूंदे बारिश की, लेकिन पूरे जहान को हरा भरा बना जाती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। उठती नहीं है आंख किसी और की तरफ, पाबंद कर गई है किसी की नजर मुझे, ईमान की। तो ये है कि ईमान अब कहां, काफिर बना गई तेरी काफिर नजर मुझे। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां मजबूर करती हैं। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी, बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त बदलते ही बदल जाता है। सबकी असलियत से वाकिफ है, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। लोग अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे न झुकने का शौक है, न झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान है, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए, किसी से बात करने का वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है,
प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए।